तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट किया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हमने ये देखा कि बोहर्स एटम के अंदर एम वी आर इजिकल टू एन एच बाई टू पाई, ये पहली इक्वेशन है, एंड एम और वी यहाँ पर जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसको बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन बोलते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल पर जंप करता है तो जो एनर्जी का डिफरेंस है वो एच इंटू न्यू के इक्वल आता है। इसको बोहर्स की फ्रिक्वेंसी कंडीशन बोलते हैं। बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के आसपास घूमता है तो जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी है, 1/4 pi epsilon naught ई इंटू ई बाई आर स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रिपिटल प्रोवाइड करती है। इन्हें मैंने इक्वेट कर लिया, इन्हें इक्वेट करके मेरे पास क्या आ गया, आर से आर कैंसिल करके एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब मुझे पता है एम वी आर एन एच बाई टू पाई है, तो यहाँ से वी एक तरफ, ये एम और आर एक तरफ, इस वी को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। ये देखो मैंने यहाँ पुट किया, सॉल्व करके मेरे पास रेडियस की वैल्यू आ गई। तो मैंने नोट करवाया कि रेडियस का फॉर्मूला जिसमें आर रेडियस किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसके प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इस आर की वैल्यू को, इस आर की वैल्यू को आप वेलोसिटी के फॉर्मूले में पुट कर दें। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक और रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इसमें एन हो जाएगा। दूसरा रिजल्ट है इनमें अगर इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को पुट किया जाए तो इसका रिजल्ट आएगा 1/137। इसको अल्फा बोलते हैं या फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट बोलते हैं। तो वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। किसमें सी, इसमें, हाँ इसमें, वैसे फॉर्मूला ये याद कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं, वैसे सी की फॉर्म में करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर आप यहाँ से निकाल चुके हैं, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 बाई आर, तो ई इंटू माइनस ई बाई आर, एक प्रोटोन है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो काइनेटिक आ गई, पोटेंशियल आ गई, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो टोटल एनर्जी आपके पास इसके इक्वल आ जाएगी, ये याद रखना है आपने। एंड ये भी याद रखना है कि जो टोटल एनर्जी है इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। तो ये रिजल्ट है, ये इतना करने की जरूरत नहीं है, सफिशेंट है यहाँ तक। अब जो टोटल एनर्जी है उसका ये फॉर्मूला आया था, हमने आर का एक बड़ा फॉर्मूला जो है निकाल रखा है ऑलरेडी, ये रहा फॉर्मूला, वो बड़े वाला फॉर्मूला, इस आर को उठा के यहाँ पर पुट करते हैं तो ये एनर्जी की वैल्यू आ जाती है। तो जब ये एनर्जी की वैल्यू आएगी इन सब में, आप जब सारे कॉन्स्टेंट्स पुट करेंगे तो कॉन्स्टेंट्स पुट करने के बाद एनर्जी का ये एक्सप्रेशन आएगा -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। ज़्यादातर बुक्स इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर। ज़्यादातर बुक्स ऐसे भी यूज़ करती हैं कि माइनस रिडबक्स कॉन्स्टेंट, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट और सी फॉर स्पीड ऑफ लाइट अपॉन एन स्क्वायर। वैसे इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.6 ही आता है। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला प्लीज़ याद करें। फिर ये इसके अंदर ऐसा गिवन होगा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल पे आएगा तो उसमें एच न्यू क्या होगा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, या इनिशियल माइनस फाइनल, जो भी बड़ी है में से छोटी एनर्जी। तो माइनस करेंगे तो ये आपके पास आर एच सी कॉन्स्टेंट आ गया, और न्यू को क्या पुट कर सकते हैं, सी बाय लैम्डा, तो एच सी कैंसिल होकर आपके पास 1/λ की वैल्यू आ गई। तो 1/λ की वैल्यू न्यूमेरिकल में काफ़ी यूज़ होती है, ये तो फॉर्मूला बहुत ही यूज़ होता है, लैम्डा निकालने का क्वेश्चन तो पक्का आएगा आपके पेपर में, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ क्लियर है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये, ठीक। तो ये टर्म आ गई। दूसरा टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम पीरियड क्या होता है, एक चक्कर का डिस्टेंस क्या है, 2πr, और वेलोसिटी क्या है, वी। तो रेडियस हमने निकाल रखा है, वेलोसिटी हमने निकाल रखी है, वो याद, बड़े बड़े फॉर्मूलाज थे। जब यहाँ पुट करेंगे तो आप देखेंगे जो टाइम पीरियड है वो एन क्यूब के क्या आएगा, प्रोपोर्शनल आएगा। तो ये याद रखें, टाइम पीरियड ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू एन का क्यूब। जैसे रेडियस किया, वेलोसिटी की, ऐसी टाइम पीरियड भी आ गया। ये याद रखना है, वैल्यू ऑफ आर इंटू एच इंटू सी की वैल्यू क्या होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और रिडबक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमें पता है, 1/λ को क्या बोलते हैं, वेव नंबर, ठीक है, यहाँ पर वेव नंबर। नेक्स्ट है, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आप केमिस्ट्री में भी करते हैं,
एक अगर इलेक्ट्रॉनिक शेल से दूसरे शेल पे गिरता है तो कितनी ट्रांजिशंस कवर करता है, जैसे 4 से लेके 1 पे गिरना है, 4 से लेके 3 पे गिर सकता है, 3 से लेके 2 पे गिर सकता है, 2 से लेके 1 पे गिर सकता है, 3 से 1 पे गिर सकता है, तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन इसमें कितनी आएंगी, फॉर्मूला एन इंटू एन माइनस 1/2। नेक्स्ट है बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वली एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन लाइक एटम सच दैट हीलियम डबली आयनाइज लिथियम, इनके ऊपर भी वैलिड है। हमने जो थ्योरी बनाई वो किसके लिए बनाई, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए बनाई, लेकिन हमारी थ्योरी इनके लिए भी वैलिड है, पर इनके लिए फॉर्मूलाज थोड़े डिफर करते हैं। तो इनके लिए फॉर्मूलाज क्या होते हैं, रेडियस ऑफ इन जो एटम्स हैं लिथियम और ये जो डबली आयनाइज है, तो इनका जो रेडियस है nth ऑर्बिट का वो इसके प्रोपोर्शनल है, पुराने वाला ही फॉर्मूला है रेडियस का, बस इसमें डिनोमिनेटर में क्या आता है, जेड आता है, डिनोमिनेटर में जेड आएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। तो रेडियस ऐसे केस में एन स्क्वायर बाय जेड के प्रोपोर्शनल है, पहला पॉइंट है। स्पीड के केस में जो भी उसमें स्पीड थी 137 सी बाय एन थी, स्पीड में यहाँ पर जेड आ जाता है, तो एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला लग गया इसमें जेड का, तो ये सेकेंड रिजल्ट है। नेक्स्ट है एनर्जी, एनर्जी में क्या आएगा, वैसे -13.6 बाय एन स्क्वायर होती है, इसमें -13.6 बाय एन स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपके पास एनर्जी इन एनथ शेल आ जाएगी। तो ये भी पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, बहुत आता है ये फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था हमने हाइड्रोजन के लिए किया, हाइड्रोजन में जेड नहीं आता था, जेड वन होता है, हाइड्रोजन लाइक में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जेड का स्क्वायर भी आएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 1/z का। फिर के अल्फा लाइन, के बीटा लाइन, के अल्फा लाइन अगर आता है तो ट्रांजिशन 2 से लेके 1 तक है, के बीटा लाइन आता है तो ट्रांजिशन 3 से लेके 1 तक है, ये टर्म्स याद रखनी है आपने। इसके बाद स्पेक्ट्रल लाइंस है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस के ऊपर सबसे पहली चीज़, अगर आपका जो ट्रांजिशन है वो कहाँ से कहाँ है, 2 से 1 है, 3 से 1 है, 4 से 1 है, कहीं से भी गिर रहे हो एन से लेकिन 1 पे गिर रहे हो, तो उस केस में कुछ सीरीज निकलेंगी, तो लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाश्चन सीरीज आपके सब करते आए हो, तो इस तरीके से ये सीरीज आपको पता होनी चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए, देखिए लाइमन सीरीज है तो बहुत आता है सीबीएसई में, हर साल क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो n=5 से n=1 पर गिरा तो कौन सी सीरीज है, आप बोलोगे लाइमन सीरीज है, वो बोलेगा कि कौन सी रेडिएशन बाहर निकलती हैं, तो आप बोलोगे अल्ट्रा वायलेट निकलती हैं, तो बाल्मर में क्या निकलती हैं, विजिबल निकलती हैं, पाश्चन में क्या निकलती हैं, इंफ्रा निकलती हैं। फिर इस तरीके से ये आपको याद रखना है कि कौन कौन सी सीरीज में कौन सी रेडिएशन निकलेंगी, राइट। फिर ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज अ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो आपस में पास हैं फिर दूर लेके जा रहे हैं, तो जब आप उनके बीच में दूरी बढ़ाते रहते हो, बढ़ाते रह रहे हो, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती रहती है, कम होती है, कम होती है, कम होती है, और फिर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जो फोर्स है वो क्या हो जाती है, पहले रिपल्शन होती है और फिर बाद में क्या हो जाती है, अट्रैक्शन हो जाती है, ये आपने याद रखना है, राइट, ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियॉन्स वर्सेस प्रोटॉन्स का ये ग्राफ है, ये ग्राफ आपको क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ आपको ये शो कर रहा है कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर एक नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं और एटॉमिक नंबर और मास नंबर होता है, तो अगर मैं इन्हें प्लॉट करूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एन एंड प्रोटॉन्स, तो एक आइडल लाइन ये आती है 45 डिग्री पे। अगर आप सारे पीरियोडिक टेबल को इसमें ड्रॉ करें तो ये आपके पास ये ब्लैक कलर की बीच 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 में, अगर आप ब्लैक कलर देखें तो बीच बीच में जो ब्लैक कलर है, ठीक है, बीच बीच में जो ब्लैक कलर दिख रहा है ये मैं रेड कर रहा हूँ, ये देखो ये थोड़े दिख नहीं रहे, थोड़े ऐसे दिख रहे हैं, ये ऐसे दिख रहे हैं, ये सब स्टेबल न्यूक्लियाई हैं। तो अगर आप कोई नया न्यूक्लिया लेके आते हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि वो स्टेबल होगा कि नहीं होगा, तो जितनी इस लाइन से वो दूर होगा वो उतना ही अनस्टेबल होगा। अगर इस रेंज में लाई करेगा, इस रेंज में लाई करेगा, तो उतना ही क्या पाया जाएगा, वो स्टेबल पाया जाएगा। ये ग्राफ का फायदा है, ठीक, ये ग्राफ का फायदा है। इसके बाद है फॉर एनी स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर n2 - n1 1 है, उसको एच अल्फा लाइन बोलते हैं, मिनिमम फ्रिक्वेंसी की लाइन बोलते हैं। अगर इनका डिफरेंस n2 और n1 का 2 है, उसको एच बीटा लाइन बोलते हैं, 3 है तो एच गामा लाइन बोलते हैं, और इन्फिनिटी पे तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आती है, सबको पता है, न्यूमेरिकल में वर्ड यूज़ करेगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकाल लो। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, आपकी ट्रांजिशन क्या होगी, इसमें इन्फिनिटी से स्टार्ट होगी, इन्फिनिटी से, राइट, इन्फिनिटी से। और वैसे ही अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करती हो तो ट्रांजिशन n2 से लेके n1 तक होगी, और डिफरेंस उनका क्या होगा, 1, एक लेवल का डिफरेंस होगा, ठीक।
एनर्जी स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू एन इज इक्वल टू वन हैज़ दी लोएस्ट एनर्जी इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सबको पता है कि कम से कम एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की जब हाइड्रोजन के अंदर होता है एन इज इक्वल टू वन पे होता है माइनस 13.6 बाई वन स्क्वायर. एंड दिस स्टेट या ऑर्बिट इज कॉल्ड ग्राउंड या नॉर्मल स्टेट ऑफ एटम. नेक्स्ट पॉइंट है एक्साइटेशन एनर्जी. तो एक्साइटेशन में क्या होता है, एक्साइट हो जाना, एक शेल से दूसरे शेल पे चले जाना. तो जैसे मान लो आपका कोई भी एक्साइटेशन हो रहा है, एग्जांपल है फर्स्ट एक्साइटेशन किसे बोलते हैं, जब आपकी ट्रांजिशन टू और वन के बीच में होगी, वन से लेके टू पे चला गया, तो फाइनल एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, माइनस 13.6 बाई टू स्क्वायर, और इनिशियल क्या थी, माइनस 13.6 बाई वन स्क्वायर. इन्हें माइनस करेंगे, ये आपकी एक्साइटेशन एनर्जी होगी. किसकी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी. पहली एक्साइटेशन कहाँ से कहाँ होगी, वन से टू पे होगी. नेक्स्ट एक्साइटेशन कहाँ से होगी, वन से लेके थ्री पे होगी. तो इनका डिफरेंस क्या होगा, नेक्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, यानी कि सेकेंड एक्साइटेशन का मतलब वन से लेके थ्री पे जाना. नेक्स्ट है ऐसी आयनाइजेशन एनर्जी. क्या होती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना. बाहर निकालने का मतलब एटम का मतलब एनर्जी को इन्फिनिटी पे फेंक देना. तो इसलिए एक्साइटेशन में फाइनल एनर्जी जब इन्फिनिटी पे होगी तो माइनस 13.6 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर, 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है जीरो. तो जब इन्फिनिटी पे चला जाता है इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी क्या होगी जीरो, और पहले लेवल में एनर्जी क्या थी माइनस 13.6. तो ये इसकी एक्साइटेशन की एनर्जी है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम के अंदर. क्लियर है. सिमिलरली एक्साइटेशन पोटेंशियल, कुछ भी नहीं करना, जो जो ऊपर एनर्जीज आई थी ना उसमें ई हटा दो, क्योंकि चार्ज इंटू पोटेंशियल इज एनर्जी. तो आप अगर चार्ज हटा दोगे तो बचेगा क्या वोल्ट में, सिर्फ पोटेंशियल. तो ये आपका फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल है, ये आपका सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल है, ये आपका इन्फिनिटी का बेसिकली ये आयनाइजेशन पोटेंशियल है. तो आपने कुछ नहीं करना इसके अंदर, आपने इसमें हटा देना है ई को हटा देना है, तो सेम रिजल्ट आपको ये सेम रिजल्ट आएंगे, ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल के. इसके बाद ये चैप्टर जो था वो एटम, न्यूक्लियाई और रेडियो एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड था. तो पहले थॉमसन मॉडल आया था जो फेल हो गया था, फिर रदरफोर्ड मॉडल आया जिसने ये प्रूव किया कि बीच में न्यूक्लियस है. तो इसमें अल्फा पार्टिकल आए, गोल्ड न्यूक्लियस के ऊपर हिट किया, तो अल्फा पार्टिकल आए, कुछ अल्फा पार्टिकल हेड ऑन कोलाइड करके वापस चले गए, कुछ रिपल्शन की वजह से, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, तो न्यूक्लियस के पॉजिटिव ने रिपेल किया, तो इस तरीके से चले गए. जो और दूर थे वो थोड़ा और दूर चले गए, मतलब उनमें रिपल्शन कम थी तो उनकी स्कैटरिंग ज़्यादा नहीं हुई, और जो बहुत ही ऊपर आ रहे हैं उनको फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो सीधे चले गए. तो कई एंगल्स इसमें बनाए गए. इस रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को गीगर मार्जन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था, ये पेपर में आ जाता है, रिजल्ट डिस्कस करो गीगर मार्जन एक्सपेरिमेंट के. तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को ही गीगर मार्जन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. इसके अंदर ये सिखाया जाता है व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ये बताया जाता है कि अगर ये आपके पास न्यूक्लियस है, अगर ये आपके पास कोई अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज 2e होता है, ट्वाइस दी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटोन, तो ये यहाँ मूव करता आ रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v, इसे हिट नहीं कर पाएगा क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो रुक जाएगा फॉर एन इंस्टेंट ऑफ, वापस जाएगा आफ्टर रिपल्शन. तो इसमें क्या होगा, ये जितनी दूरी पे रुक जाएगा उसको बोलते हैं डिस्टेंस, जो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. और जब ये रुक जाएगा हम क्या बोलेंगे, जो एनर्जी है, एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर एनर्जी है. तो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगी, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू 2 ई, क्योंकि गोल्ड का, गोल्ड के अंदर चार्ज कितना है, जो भी उसका एटॉमिक नंबर होगा जेड इंटू ई, ये इसका चार्ज है, और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज 2 ई है, तो 2 ई इंटू जेड ई डिवाइडेड बाई आर नॉट. तो ये आपके पास क्या आ गया, एनर्जी आपने कंजर्व कर दी, कि भाई टोटल काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जबकि यहाँ पे रेस्ट पे आ गया. तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर नॉट एक तरफ, एनर्जी एक तरफ, तो ये आपके पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ जाएगा. नेक्स्ट है इम्पैक्ट पैरामीटर. देखो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर है कि ये मान लो गोल्ड का न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से कहीं से भी आएगा, तो उसके सेंट्रल एक्सिस से कितनी हाइट पर आएगा, कितनी दूरी पे आएगा, बी पे आएगा, बी को बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर. तो इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला याद करना है इसमें, कुछ भी नहीं करना, हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चन रेयर हैं, पर ये फॉर्मूला याद करना और कुछ भी नहीं करना, कि थीटा इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग इस केस में. नेक्स्ट है बाइंडिंग एनर्जी. आ सकता है बाइंडिंग एनर्जी में क्या कराया गया, कि कुछ रिएक्टेंट्स हैं, कुछ प्रोडक्ट हैं, रिएक्टेंट का मास हमेशा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट, तो मास कहाँ गया, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और वो ऐसी एनर्जी है जिसने कि न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखा हुआ है, उस बांध के रखने की एनर्जी को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी. तो इसके अंदर डेल्टा एम मास इफेक्ट है, जैसे ये प्रोटोन है, न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस बन गया, तो प्रोटोन कितने होते हैं किसी भी एटम में, जेड प्रोटोन होते हैं, एक प्रोटोन का मास एम पी,
न्यूट्रॉन कितने होते हैं, ए माइनस जेड होते हैं, एक न्यूट्रॉन का मास एम एन और न्यूक्लियस का मास ये रहा। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसके अंदर ये दोनों का मास, इंडिविजुअल मास बड़ा है, इसका मास छोटा है, तो इन्हें माइनस कर देंगे तो मास का क्या आ जाएगा, डिफेक्ट आ जाएगा डेल्टा एम। इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी। तो इसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, तो न्यूमेरिकल का सेशन अलग लगेगा, जब भी लगेगा, तो जैसे कल लगेगा न्यूमेरिकल, आज थ्योरी हो रही है पूरी, कल न्यूमेरिकल इसी टाइम लग जाएगा। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल सेशन में देखेंगे कि एनर्जी के क्वेश्चन कैसे करने हैं आपने, राइट। नेक्स्ट है ग्राफ, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स का ग्राफ है ये वर्सेज मास नंबर। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स वर्सेज मास नंबर का अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो आप देखेंगे कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बिहेवियर शो करता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हाइड्रोजन जैसे एटम की काफ़ी कम है, यूरेनियम की भी कम हो जाती है, तो इसका मतलब ये अनस्टेबल है। तो यूरेनियम जैसे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है, इसका मतलब को ब्रेक करना ईजी है, और जब ये ऐसे एटम्स ब्रेक होते हैं तो उस केस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक हैवी न्यूक्लियस छोटे में जब ब्रेक होता है, फिशन, न्यूक्लियर फिशन। और ऐसे ही हाइड्रोजन एटम की भी कम है, तो हाइड्रोजन को ब्रेक करके कुछ निकलेगा तो है नहीं, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के हीलियम बनेगा, तो बेसिकली क्या होगा, फ्यूजन क्रिएट होगा। तो एक्सप्लेन करना होगा फिजन और फ्यूजन क्यों होते हैं हाइड्रोजन और यूरेनियम के, तो आपने लिखना है क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू क्या रहती है, लो रहती है, ठीक। तो ये सब इसमें लिखा हुआ है यही। नेक्स्ट है पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन है कितना मास एक्सेस है डिवाइडेड बाय मास नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर और एक्चुअल मास में फ़र्क होता है। आप तोलते हो किसी चीज़ को, उसका मास एम है, एटॉमिक मास नंबर ए है, तो ये इनका मास का डिफेक्ट है या मास का एक्सेस है अपॉन एटॉमिक मास नंबर, इसको पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। तो आपने ये बोलना है कि लार्जर द वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, उतना स्टेबल होगा। इसकी इंपॉर्टेंस है, अगर आ जाए क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप लिख सकते हो इंपॉर्टेंस है। इसके बाद रेडियो एक्टिविटी, शायद सीबीएसई में रेडियो एक्टिविटी नहीं है, ठीक। रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा गामा डीके, ये है तो रेडियो एक्टिविटी का पार्ट है, पर एक लाइन में बता देता हूँ। अल्फा डीके के अंदर एक्स एटम है वो वाई में कन्वर्ट होगा, तो अल्फा के अंदर हीलियम न्यूक्लियस निकलता है, हीलियम 42। तो अगर ये ए है तो ये ए माइनस 4 हो जाएगा, और अगर ये जेड है तो ये जेड माइनस 2 हो जाएगा। इसको अल्फा डीके बोलते हैं। तो हीलियम एच 42 निकलेगा, तो ये 4 हो जाएगा और ये 2 से रिड्यूस हो जाएगा, ये अल्फा डीके हो गया। नेक्स्ट है इसके बाद बीटा डीके, बीटा डीके। तो वो बीटा डीके भी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, कंपटीशन में आते हैं चीज़ें, तो फिर भी बीटा डीके के अंदर हम सिंपल एक काम करेंगे इसमें, ओके। बीटा पार्टिकल डीके के अंदर हम इसमें ऐसा कुछ करेंगे, हाँ, बीटा नेगेटिव एंड बीटा पॉजिटिव डीके। ये देखो हम एक ही लाइन याद करेंगे, एक होता है बीटा नेगेटिव डीके, एक होता है बीटा पॉजिटिव डीके। जो बीटा नेगेटिव निकलेगा तो ई जीरो माइनस वन निकलेगा, बस ये याद रखना। तो एक्स वाई में कन्वर्ट होगा, तो एटॉमिक मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एटॉमिक नंबर वन इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये माइनस वन है, तो ये जेड प्लस वन हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। और ऐसी अगर बीटा पॉजिटिव डीके की बात करते हो तो बीटा पॉजिटिव में ई जीरो प्लस वन निकलेगा, ई जीरो माइनस वन नहीं निकलेगा, तो ये ए हो जाएगा और ये जेड माइनस वन हो जाएगा। बस ये याद रखना है और कुछ नहीं करना है इसमें, ये कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉन कैप्चर ये सब कॉम्पिटिशन के अंदर की पार्ट है बेसिकली। तो रेडियो एक्टिविटी नहीं करनी आपने इसमें, कार्बन डेटिंग नहीं करनी इसमें, ठीक है। तो जितना हमने अभी किया ना, इसके ऊपर ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि बाइंडिंग एनर्जी का या आपका एनर्जी एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा। तो कल हम देखेंगे इसमें कि कैसे इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, पहले मैं ड्यूअल नेचर बता देता हूँ। ड्यूअल नेचर के अंदर बेसिकली क्या है, ये ड्यूअल नेचर का आपने कुछ नहीं करना कि ये वर्क फंक्शन पता होना चाहिए, सबको पता है वर्क फंक्शन क्या होता है, या फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या डब्ल्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, कि ऐसी एनर्जी जिससे कि आप एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हो, मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी को वर्क फंक्शन बोलते हैं किसी भी फोटोसेंसिटिव प्लेट के। इलेक्ट्रॉन एमिशन कुछ नहीं करना, ये कुछ नहीं करना आपने, ये पूरी हिस्ट्री है इसकी, हिस्ट्री कभी नहीं पूछी जाती। नेक्स्ट आपने जो काम की चीज़ है वो यहाँ से करनी है, ग्राफ प्लॉट करने को आते हैं। अफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, तो अगर मान लो आपके पास कोई मान लेते हैं आपके पास कोई फोटोन्स हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की बात हो रही है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के अंदर क्या कराया जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में ये बताया जाता है कि आपके फोटोन्स आ रहे हैं, फोटो सेंसिटिव प्लेट के ऊपर गिरते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हिट करते हैं,
और इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फोटोसेंसिटिव प्लेट से बाहर आ जाते हैं। तो इसमें जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे उतनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, ये याद रखना, और जितने फोटॉन्स ज़्यादा होंगे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये पहला रिजल्ट है इसका। दूसरा रिजल्ट है इसका पोटेंशियल। पोटेंशियल की का कॉन्सेप्ट समझने से पहले काम करना पड़ेगा आपको, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझने से पहले देखो हो क्या रहा है इसमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में, इसको एक बार देखते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के अंदर कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट चल रहा है कि सपोज आपके पास एक फोटोन है, ठीक है, मान लो आपके पास एक फोटोन है, ये फोटोन आता है और इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। फोटोन के पास एनर्जी कितनी है, एच न्यू। ये एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन की स्टोरी है जो मैं सुना रहा हूँ। तो फोटोन के पास ये एनर्जी है, अब होगा क्या, इससे इस एनर्जी से कुछ एनर्जी किस में चली जाएगी, वर्क फंक्शन में, और कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा विथ सम एनर्जी, जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है यहाँ तक? तो एच न्यू किसकी एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी है। ये किसकी एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ये बताया जाता है कि सपोज करो आपके पास ये एनर्जी है, अब मान लो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था विद एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था इतनी एनर्जी के साथ, इस इलेक्ट्रॉन को अगर रोकना है तो आपको पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल, इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये रुक जाए। तो इस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर रिटार्डिंग पोटेंशियल, एक ही बात है। तो इसीलिए कभी कभी बुक्स के अंदर आप देखेंगे कि जो फॉर्मूला है वो ये लिखा होगा, एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन कभी कभी ऐसा लिखा होगा एच न्यू वर्क फंक्शन और यहाँ पर चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो यहाँ देखेंगे ई इंटू वी नॉट, ये भी लिखा होता है, क्योंकि इसकी जगह हम ये भी पुट कर सकते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ऑनलाइन लोगों भी क्लियर है, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं, अब आप खुद देखें कि अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उस केस में उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। और क्योंकि ये इक्वेशन एक फोटोन एंड एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है बस, तो इसीलिए नंबर ऑफ फोटोन्स का इससे कोई लेना देना नहीं है, यानी कि इंटेंसिटी, इंटेंसिटी से ये इक्वेशन क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट है। तो अब अगर आप अपनी वापस उस शीट पे चलते हो तो यही तो समझाया जा रहा है कि अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है फिर कम है, फिर कम है। मान लो इस ग्राफ के अंदर हमने ग्राफ किसका प्लॉट किया, हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वर्सेस पोटेंशियल का ड्रॉ किया। इसमें इंटेंसिटी ज़्यादा कम एंड कम, इंटेंसिटी ज़्यादा कम कम का मतलब है कि इंटेंसिटी की वैल्यू नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा थे, फिर कम थे, फिर कम थे, फिर कम थे, ठीक है यहाँ तक? तो लेकिन फ्रीक्वेंसी रिमेनिंग दी सेम, फ्रीक्वेंसी में कोई फ़र्क नहीं। भाई जब फोटोन की फ्रीक्वेंसी में कोई फ़र्क नहीं तो उस केस में उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी एग्जैक्टली क्या रहेगी, सेम। तो इसीलिए जितना ज़्यादा फोटोन्स है उतने ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रिक करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसमें सेम है। उसी तरीके से मैंने लिख दिया यहाँ पर, उसी तरीके से अगर मान लो फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट किया जाए, तो अगर एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है फिर कम है, फिर कम है, फोटोन की अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ही ज़्यादा है। अगर फोटोन की एनर्जी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है। लेकिन क्योंकि इंटेंसिटी इस केस में सेम है तो इसलिए सैचुरेशन करंट इसमें, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू इसमें क्या आएगी, एग्जैक्टली सेम आएगी। तो क्लियर है ये ग्राफ? ये ग्राफ भी बहुत आता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करो। इसमें ये बताया जाता है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है
तो उस केस में तो फोटो इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तब तो आप उसे स्टॉप भी कर सकते हो बाय अप्लाइंग अ स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसलिए ग्राफ स्टार्ट ही यहाँ से होगा। अगर आपका आपकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो ग्राफ बनेगा ही नहीं। थ्रेशोल्ड से कम है, वर्क फंक्शन से कम एनर्जी होगी तो उसे काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी जनरेटेड, तो रोकोगे किसे, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो होगा ही नहीं। तो दो मेटल्स के लिए बना रखा है, किसी भी मेटल के लिए जब बनेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल या जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है उससे बड़ी फ्रिक्वेंसी होगी तभी ग्राफ बनेगा, नहीं तो ग्राफ नहीं बनेगा। ये ग्राफ बना कैसे इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो इसके बाद कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। पहला लॉ ये है, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मेटल एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी कि अबव थ्रेशोल्ड, तो अगर आपकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अभी ग्राफ बनाया ना हमने कि अगर मान लो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है और आपकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो जितने फोटोन्स गिरोगे यानी कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा करंट होगा। ये पहला ग्राफ बनाया था। दूसरा, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मेटल देयर एग्जिस्ट अ सर्टन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नीचे फ्रीक्वेंसी होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फिर अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अभी किया हमने कि जितनी ज़्यादा फोटोन की एनर्जी होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी, और जितनी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी उतने स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा। इससे इंटेंसिटी का, नंबर ऑफ फोटोन्स का कोई लेना देना नहीं है, ये इसकी इक्वेशन है। और लास्ट है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, ये ऐसा है कि फोटोन गिरता है उसी टाइम विद इन नो टाइम इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, इसमें टाइम लैग नहीं है। इस सारी चीज़ों को प्रूव करने के लिए हमें जो है आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी, लेकिन उससे पहले फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी इम्पॉर्टेंट है। वेव पिक्चर ऑफ लाइट एंड फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट आता है पेपर में, क्या वेव थ्योरी से ये पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सका वेव ऑप्टिक्स की हेल्प से। क्यों, इसको बोलते हैं वेव पिक्चर ऑफ लाइट। वेव पिक्चर का मतलब वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से इस थ्योरी को अगर एक्सप्लेन करें तो ये फेल हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी वेन एवर दी वेव कोई वेव फ्रंट जब स्ट्राइक करता है किसी मेटल सरफेस को तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडिएंट एनर्जी को, लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ग्रेटर द इंटेंसिटी ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड हायर इंटेंसिटी शुड लिबरेट मोर फोटो इलेक्ट्रॉन। वो कह रहे हैं ठीक है, वेव थ्योरी कहती है कि अगर आपका आपकी जो इंटेंसिटी ज़्यादा है तो इंटेंसिटी ज़्यादा है तो एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा है, और अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा है। तो अगर वेव की एनर्जी ज़्यादा है फिर तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने चाहिए, लेकिन हमारी फोटोन की थ्योरी ये कहती है इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी ज़्यादा नहीं है, इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा हैं, और जबकि फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा नहीं चाहिए, फोटोन की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा चाहिए, एच इंटू न्यू फ्रिक्वेंसी ज़्यादा चाहिए। तो वेव थ्योरी कहती है कि इंटेंसिटी का मतलब है एनर्जी ज़्यादा होना जिससे कि ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, जबकि फोटोन पिक्चर से ये सही एक्सप्लेनेशन आती है जो ये बताता है कि इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन्स और इसका इलेक्ट्रॉन की एमिशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, फिर वो ये कहता है वेव थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वेव थ्योरी से थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हो ही नहीं पाया जबकि रियलिटी में थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। नेक्स्ट है, वेव थ्योरी में इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स फाइनाइट टाइम टू एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस, कि आप पहले रेडिएशन गिरेगी, वेव्स गिरेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इट इज़ एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। फिर आइंस्टाइन थ्योरी आ गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। आइंस्टाइन थ्योरी के अंदर आप ये जो हम कर रहे थे सारी आइंस्टाइन की थ्योरी थी, ये पूरी की पूरी जो आप कर रहे हो, तो लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को उसने एक्सप्लेन किया अपनी थ्योरी से। उस अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स हैं और नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा गिरने से एमिशन ज़्यादा होगा, ये तो ट्रू है ही नहीं, जबकि फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ज़्यादा गिरने से एमिशन होगा, ये ट्रू है, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो पहला लॉ यही बोलता है कि नंबर ऑफ फोटोन जो बाहर निकलेंगे वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितने फोटोन गिरेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को हिट करता है। सेकेंड है एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये आपकी आइंस्टाइन की इक्वेशन थी,
अगर आपकी फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली उसने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट ये बताया कि अगर आपकी फोटोन की एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्ट करेगी। टाइम लैग में इसने ये बताया कि इलास्टिक कोलिजन है, फोटोन और इलेक्ट्रॉन का टक्कर होना यानी कि इलास्टिक कोलिजन है, तो इसलिए इलास्टिक कोलिजन में कोई टाइम लैग नहीं होता। फिर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फोटोन, बेसिक फीचर ऑफ फोटोन, पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये आता है। फोटोन पिक्चर एक्सप्लेन करो, बहुत आता है पेपर में, फोटोन पिक्चर एक्सप्लेन करो, फोटोन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाओ, फोटोन्स की थ्योरी क्या। तो टॉपिक है कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में द फोटोन और बेसिक फीचर ऑफ फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है। तो पहली क्या है पॉइंट फोटोन पिक्चर की, द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन बिहेव्स एज इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल कॉल्ड फोटोन। तो फोटोन पिक्चर ये कहती है कि जब रेडिएशन आ रही हैं तो वो पैकेट से बनी हुई है एनर्जी के, और एक एनर्जी का पैकेट को क्या बोलते हैं, फोटोन। सेकेंड पॉइंट, किसी भी एक फोटोन के लिए जो एनर्जी है ई इज़क्ल टू एच न्यू, और जो मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल, एच बाय लैम्डा। ये सेकेंड पॉइंट है। नेक्स्ट है, ऑल फोटोन्स ऑफ लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू एंड वेवलेंथ लैम्डा हैव सेम एनर्जी एंड मोमेंटम। तो अगर मान लो एक रेडिएशन आ रही है, सबकी फ्रिक्वेंसी न्यू है, वेवलेंथ लैम्डा है, तो सबकी एनर्जी भी सेम रहेगी और सबका वेवलेंथ भी सेम रहेगा, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन से इसका कोई लेना देना नहीं है। फोटोन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड। हाउएवर नंबर ऑफ फोटोन में नॉट बी कंजर्व्ड इन द कोलिजन, एनर्जी कंजर्व्ड है, मोमेंटम कंजर्व्ड है, नंबर ऑफ फोटोन इसमें कंजर्व नहीं है, क्योंकि कुछ फोटोन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और न्यू फोटोन में भी क्रिएटेड, तो ये कंजर्व नहीं रहते। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ गिवन वेवलेंथ इज इंक्रीज, अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाता हूँ, देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटोन्स, तो नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा गिरते हैं उस केस में, ऑन अ गिवन एरिया इन अ गिवन टाइम, बट एनर्जी ऑफ द फोटोन रिमेन्स सेम। तो इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स का बढ़ना, ना कि एनर्जी का बढ़ना। ये कुछ पॉइंट्स हैं फोटोन थ्योरी के, जो आपको लिख के आने हैं जब पेपर में आएगा, व्हाट इज द फोटोन पिक्चर ऑफ रेडिएशन को एक्सप्लेन करो फोटोन पिक्चर से, ये थ्योरी आएगी। फिर ये आ सकता है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट वर्क फंक्शन निकालो ग्राफ की हेल्प से। तो आप क्या करेंगे, आइंस्टाइन की इक्वेशन लिखेंगे, ये इक्वेशन लिख दी आइंस्टाइन की, हाफ एम वी स्क्वायर एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ। इस हाफ एम वी स्क्वायर की जगह ई इंटू वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखा जा सकता है। वी नॉट ई की वैल्यू यहाँ से नीचे आ गई है देखो, और ये इक्वेशन वाई एक्सिस में प्लॉट करो वी नॉट, एक्स एक्सिस में प्लॉट करो न्यू। तो ये इक्वेशन को कंपेयर करें वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ई से, तो ये इंटरसेप्ट है माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई, और ये इसकी स्लोप है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से ये इक्वेशन बनता है, ये इसका नेगेटिव इंटरसेप्ट है, और इसकी स्लोप क्या है, एच बाई ई। तो क्योंकि स्लोप पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ का एच बाई ई है, तो एच क्या होगा, स्लोप इंटू ई, ये रहा। तो ये प्लैंक्स कॉन्स्टेंट आ गया। और वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इंटरसेप्ट ऑन वर्टिकल एक्सिस क्या है, माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके डब्ल्यू नॉट की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ये अपने लिख के आना है जब ये प्रूव करने को आएगा कि प्लैंक्स कॉन्स्टेंट या वर्क फंक्शन निकाल के दिखाओ विद द हेल्प ऑफ आइंस्टाइन इक्वेशन एंड ग्राफिकल मेथड से, ऐसे करके आना है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। ये शीट आपको ट्राई करनी है जो साथ में अटैच है इसके, ये चलो ये तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगी। फोटो सेल नहीं आएगा, फोटो मिसिव सेल नहीं आएगा। ओके, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में ये बताया गया है कि जैसे लाइट की दो रेडिएशंस हैं, ऐसे ही जो लाइट की दो रेडिएशंस हैं जिसमें एक रेडिएशन को अगर आप वेव मानते हो, तो कुछ फिनोमिनाज हैं जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, जो कि वेव ऑप्टिक्स से ही एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। कुछ फिनोमिनाज ऐसे हैं जैसे कॉम्पटन इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि फोटोन पिक्चर से ही एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। तो इसलिए आपकी रेडिएशन की दो नेचर्स हैं, वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर, दोनों नेचर्स हैं, ठीक। यही ड्यूअल नेचर है। फिर उसके बाद ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रॉगली की वेव्स हैं। डी ब्रॉगली ने कहा जब लाइट की रेडिएशन दो नेचर की तरह बिहेव कर सकती है, तो हमारे मूविंग इलेक्ट्रॉन या मूविंग पार्टिकल भी दो नेचर की तरह बिहेव कर सकते हैं, एक पार्टिकल और एक वेव नेचर। तो उसने यही कहा कि मटीरियल पार्टिकल इन मोशन शुड डिस्प्ले वेव लाइक प्रॉपर्टीज। तो उसने ये कहा
कि टू फिजिकल क्वांटिटीज दैट गवर्न्स द यूनिवर्स इज मास एंड एनर्जी. पहला पॉइंट है सिमेट्री नेचर है. सो सिंस रेडिएशन है ड्यूअल नेचर, तो डी ब्रॉगली के पार्टिकल की भी ड्यूअल नेचर होनी चाहिए, मूविंग पार्टिकल की ड्यूअल नेचर होनी चाहिए, उसने ये बोला. और जो वेवलेंथ वो प्रोड्यूस करेंगे मूविंग पार्टिकल, उसका नाम क्या रखा गया, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ. तो डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ के लिए एक कहते हैं फोटोन, इमेजिन कर लो ईएम वेव का, उसकी एनर्जी क्या है, इज इक्वल टू एच न्यू. अब वो कह रहा है कि इस केस में कि एनर्जी एसोसिएटेड विद इट विल बी इक्वल टू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर लो, न्यू को सी बाय लैम्डा पुट कर लो, तो यहाँ से लैम्डा की एच बाई पी वैल्यू आ गई, इसको बोलते हैं डी ब्रॉगली की वेवलेंथ, राइट. तो ये मोमेंटम ऑफ अ फोटोन है. अब वो कह रहा है कि ये उसने फोटोन के लिए लगाया था, फोटोन के लिए. तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इट मस्ट बी ट्रू फॉर अ मटीरियल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन के लिए भी ये वैलिड होना चाहिए. अब वो कहता है इमेजिन करो एक पार्टिकल मूव कर, जैसे फोटोन मूव कर रहा था, वगैरह पार्टिकल मूव कर रहा है जिसका मास एम है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, एच बाय एम वी. फोटोन की जैसे थी वैसे अरे पार्टिकल की भी होगी. अब वो कह रहा है कि डी ब्रॉगली की फिर कुछ कंक्लूजन थे कि किसी भी पार्टिकल की जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू उसका मोमेंटम है, अभी हमने किया. और अगर वेलोसिटी जीरो है तो लैम्डा इसमें इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि मोमेंटम जीरो हो जाएगा. इट इंप्लाइज दैट वेव्स आर एसोसिएटेड विद द मटीरियल पार्टिकल ओनली व्हेन दे आर इन मोशन. तो अगर वो मोशन में होंगे तो ही उसका पी होगा, तभी उसका लैम्डा आएगा. अगर मोशन में ही होंगे तो लैम्डा कैन नॉट बी डिफाइंड. नेक्स्ट है टू बी एसोसिएटेड विद डी ब्रॉगली वेव अ पार्टिकल नीड नॉट हैव अ चार्ज. जरूर नहीं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटोन का होगा, चार्ज नहीं भी होगा तो भी ये वेव की तरह बिहेव करेंगे. डी ब्रॉगली वेव कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज ईएम वेव्स आर ओनली एसोसिएटेड विद एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल. तो ये तो किसी भी पार्टिकल के लिए लगता है, चाहे चार्ज हो या ना हो, इसलिए ईएम वेव्स की तरह बिहेव नहीं करेंगी वेव्स. फिर ये आ सकता है डी ब्रॉगली की वेवलेंथ प्रूव करके दिखाओ किसी भी मूविंग इलेक्ट्रॉन की. तो आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की मान लो हाफ एम वी स्क्वायर या पी स्क्वायर बाय टू एम है और इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल है. इन्हें काइनेटिक एनर्जी को पी स्क्वायर बाय टू एम को चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके मोमेंटम आ गया. इस मोमेंटम में यहाँ से इन दोनों को इक्वेट करेंगे. तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी. और अगर हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास मोमेंटम की ये वैल्यू आ जाएगी. तो मोमेंटम की इक्वेशन कैसे भी निकाल लो, पी की इसलिए निकाल ली क्योंकि लैम्डा क्या होता है, एच बाई पी. तो आपके न्यूमेरिकल इसके ऊपर पक्का आएंगे कि मूविंग पार्टिकल डी ब्रॉगली का पार्टिकल मूव कर रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, चाहे प्रोटोन मूव कर रहा है, तो उसकी वेवलेंथ का या तो ये फॉर्मूला यूज होगा या ये फॉर्मूला यूज होगा, एक ही बात है. क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद उसने कुछ वैल्यूज पुट की, जैसे इलेक्ट्रॉन की सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट की, तो उसका आंसर आया 12.3 बाय अंडर रूट ऑफ वी. तो अगर आपका क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन पे आता है और उसका पोटेंशियल आपको गिवन होता है वी, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ वी पुट कर देंगे, मूविंग इलेक्ट्रॉन का लैम्डा कैन बी कैलकुलेटेड. तो डी ब्रॉगली की वेवलेंथ का फॉर्मूला क्लियर है, आएगा क्वेश्चन इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स. और लास्ट है इसको, ये तो उसका मानना था डी ब्रॉगली का ऐसा होता है, तो एक साइंटिस्ट डेविसन एंड जर्मर जिन्होंने क्या किया, इसे प्रूव किया कि ये बात बिल्कुल सही है. ये प्रूव करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की दोनों नेचर है, तो एक ऐसा रिजल्ट उन्होंने दिया, चाहे वेव नेचर से कर लो चाहे पार्टिकल से कर लो, रिजल्ट सेम आ रहा है, तो इसलिए मानना पड़ा कि इनकी मूविंग इलेक्ट्रॉन की दोनों नेचर्स हैं. तो एक्सपेरिमेंट किसने किया, डेविसन जर्मर ने. तो दो ये क्वेश्चन सीधा आ जाता है पेपर में, क्योंकि एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करो जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, या सीधा आएगा डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करो. तो डेविसन जर्मर के लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन गन, ये ज़्यादा बेटर ये डायग्राम है, ये वाला नीचे बना होगा, ये वाला ये बना देना. इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन की बीम आई, निकल का क्रिस्टल है, यहाँ से टकरा के बीम स्कैटर हो गई, डिटेक्टर काउंट कर रहा है कितने इलेक्ट्रॉन किस जगह पे आ रहे हैं और वो एंगल को मेजर कर रहा है. ठीक है यहाँ तक? तो उन्होंने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर वो ये क्या करते हैं इसमें कि ये देखो, तो उन्होंने कुछ रिजल्ट्स को एक्सप्लेन किया. जब इलेक्ट्रॉन गन का पोटेंशियल 44 वोल्ट 48 54 64 और 68 वोल्ट पे किया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी ये रही है, इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी पाई गई जब एंगल कितना था 50 और पोटेंशियल कितना था 54. ठीक, उसके बाद ये जो पीछे बम्प या किंक या बम्प आ रहा है वो कम होता जा रहा है, 54 वोल्ट पे सबसे ज़्यादा है, ये आपने लिख देना है. फिर एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों हुआ. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें इंटरफेरेंस हो रही है निकल के क्रिस्टल से, कि
इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इस लेयर से और नीचे की लेयर से, तो आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर हो रहे हैं, जिस वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है, इंटेंसिटी मैक्स आ रही है और वो सेंट्रल पॉइंट आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब, अगर आप इन सभी ग्राफ को अगर ज्वाइन कर लें, तो अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करेंगे इन सबको, तो देखो इसको 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 इसको, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये देखो ऐसे ऐसा ग्राफ बनता जा रहा है इन सबको करेंगे। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं सेंट्रल पॉइंट की। तो ये बेसिकली ग्राफ किसका आता है, ये ग्राफ आता है कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। तो इसमें इंटरफेरेंस हो रही है, यानी कि वेव नेचर चल रहा है। तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 180, तो यहाँ से थीटा एक तरफ फाइव एक तरफ, तो क्योंकि हम अपना एक्सपेरिमेंट किस पे कर रहे हैं, जब फाइव कितना है 50, तो वहाँ से थीटा कितना आ गया 65। तो ये थीटा आपने लिख देना है, ये याद ही करने से कुछ कर नहीं सकते। निकल की स्पेसिंग जो होती है दो जो एटम्स की, वो डी इज इक्वल टू 0.914 होती है, और जो डिफ्रैक्शन फर्स्ट एन इज इक्वल टू 1 पे फर्स्ट डिफ्रैक्शन के अंदर ब्रैग्स लॉ लगता है इसमें निकल के अंदर। हमें नहीं करना फॉर्मूला याद करना है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू 1 लैम्डा सेंट्रल पॉइंट के लिए। तो यहाँ से वो क्या करते हैं, डी उनको पता है, थीटा उन्होंने 65 निकाल लिया, पुट करके लैम्डा निकाल दिया। तो उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 54 वोल्ट पे, वो इतना लैम्डा शो करेंगे, निकल गया। ये वेव नेचर का फिनोमेन है। फिर वो क्या करते हैं, वो कहते हैं डी ब्रॉगली का पार्टिकल नेचर का रिजल्ट लेते हैं। तो पार्टिकल के नेचर के रिजल्ट से ये फॉर्मूला लगाते हैं, वी को 54 वोल्ट करते हैं, क्योंकि हम अपना एक्सपेरिमेंट 54 वोल्ट पे कर रहे हैं, सॉल्व करके आंसर सेम आता है। तो पार्टिकल नेचर से भी आंसर सेम आ रहा है, वेव से भी आंसर सेम आ रहा है, तो मानना पड़ा कि मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की दोनों नेचर्स पॉसिबल हैं, राइट? दो नेचर्स पॉसिबल है, ठीक है। तो दैट्स इट। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है।